हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो क्या बताऊँ आपको, आज सुबह से ही उमस वाली बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और हालत हो रही ख़राब किचन में। फिर से वही, मतलब बारिश एकदम बूंदाबांदी सी हुई, मतलब ऐसी बारिश ना एकदम गर्मी बढ़ा देती है, उमस तो होने ही लगती है। तो सुबह ये जो है ना, अभी तवे पे मैंने उत्तपम जो बना रही हूँ, इसमें सूजी, थोड़ा सा दही, गाजर ग्रेट कर दिया था और थोड़ा सा प्याज है वो भी बारीक बारीक कट के, और एक हरी मिर्च डाल दिया था मैंने। और हरी मिर्च डालूँ तो मुझे डर लगता है कहीं तीखा ना हो जाए, बेटा खा नहीं सकता, तो मैंने क्या अंदर का पूरा बीज जो होता है वो निकाल दिया और उसको चॉप कर दिया। और वैसे भी ये वाली हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो मैंने एक डाला है, ज़्यादा नहीं। तो लो मीडियम फ्लेम पे ये करना होता है। तो मेरा एक लॉट हो चुका है, अभी सेकेंड लॉट में दूंगी। थोड़ा सा इसको भीगने के लिए रखना पड़ता है ना, 15 से 20 मिनट। मैंने सूजी को पानी में और दही के साथ थोड़ा सा फूलने के लिए रख दिया था। तो अभी जो है इसको रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ और इसमें सरसों के दाने में डाल दूँगी। जैसे ही सरसों के दाने चटक जाएंगे तो उसको थोड़ा सा इधर उधर स्प्रेड कर दूँगी। करी पत्ता मेरे पास नहीं था, रहता तो मैं ज़रूर से डालती एक दो, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अभी ना छोटे छोटे साइज़ में करके ऐसे दे दूँगी, एकदम से बड़ा नहीं बनाती हूँ, छोटा छोटा ही मेरे घर में सभी को पसंद आता है। तो एक बड़ा सा साइज़ करके भी आप बना सकते हो। तो वेदर तो इधर ऐसा हो रहा है कि मतलब धूप, बारिश और मतलब काले काले से बादल, बस यही होते रहता है सारा दिन। और अभी बारिश भी, 2 मिनट बारिश होती नहीं है, उसके बाद फिर धूप हो जाती है और शाम के बाद से तो बारिश नहीं होती है, फिर वही गर्मी और रात होते होते तो हालत ख़राब हो जाती है। मतलब बारिश का सीज़न है लेकिन बारिश एकदम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इधर ना एक तरफ ब्राउन कलर थोड़ा थोड़ा जब हो जाता है तब पलट दिया जाता है इसको, और दोनों तरफ ही ऑयल अच्छे से लगा दिया है मैंने। तो बच्चे इसको आराम से खा लेते हैं सॉस के साथ, मेरे बेटे को तो ये पसंद है। और हर दिन नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने आज ये बहुत दिनों बाद बनाया हो गया, फिर भी 15-20 डेज के बाद ही मैंने बनाया है, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाया जाए तो यही बना लेते हैं। और बेटा भी रात को बोल रहा था कि मम्मा उत्तपम बनाना कल, तो ज़्यादा नहीं, बेटा एक दो ही खाता है ये। और वैसे भी अभी इतनी गर्मी है ना, रोटी बनाने को मन ही नहीं कर रहा है। और इधर साइड बाई साइड मैंने आलू और गाजर को कट करके रखा है, उसको बस हल्का सा जीरा के साथ और नमक हल्दी और थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ जो है छौंक लगा दूंगी, तो हो जाएगी। सिंपल सी है और रेसिपी। और लंच के लिए मैं क्या बना रही हूँ, ब्लॉग में बने रहिए आगे। तो देख सकते हो कढ़ाई में अभी सब्जियां मैंने डाल दी हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक हल्दी डाल दिया है, इसको हल्का सा चला लूँगी बस, इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और लो मीडियम आंच पे करके इसको ढक के रख दूँगी और ये भी 15 मिनट में आसानी से बन के तैयार हो जाती है। तो सुबह ब्रेकफास्ट उत्तपम के साथ मैं और मेरे हस्बैंड इसको खा लेंगे, और थोड़ी सी बच भी जाएगी तो ये मैं फ्रिज में डाल दूँगी, रात को काम आ जाएगी। तो इतनी सारी सब्जियां नहीं लगती है मेरे घर में, एक सब्जी लवर कोई भी नहीं है। और उधर साइड में आप देख सकते हो दूध भी मैंने चढ़ा दिया है, अभी सुबह ही आई हुई थी, तो अच्छे से दूध को भी मैं ना 10 मिनट तक एटलीस्ट खौलाती हूँ। और सारा दिन में 3 बार तो गर्म होता ही है मेरा, एक शाम के टाइम में और एक रात को सोने से पहले। तो अभी मैं इधर आई थी ना बरामदे में, कितना अच्छा सा छोटा सा रोज़ फ्लावर हुआ है देखिए। तो एक्चुअली ये शूटिंग मेरा बेटा कर रहा था, तो ऐसे इतना ज़्यादा ही रहा है कि जो मेन चीज़ मैं दिखाने जा रही थी वही नहीं वो कर पाया। अच्छा, तो ये जो भी हो आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा।
तो अभी ना अभी ये बेडशीट वगैरह मैं लगा दूंगी थोड़ा सा, मतलब इधर मैं जल्दी नहीं कर पाई क्योंकि बेटा थोड़ा सा सो के आया, उठा ही लेट से, तो हम लोग के साथ ही उठ जाने से सबसे पहले तो मैं बेडशीट ही लगा लेती हूँ। अभी ये कर रहा है ब्रश, तो कभी इधर कभी उधर ऐसे घूमते घूमते करता रहता है, तो मैं ही उसको बोल रही थी एक जगह खड़े होकर कर लो, कहीं इधर ही कर लो, नहीं तो बाथरूम में ही जाके कर लो। तो आज तो दिन है मंडे का, और मंडे टू फ्राइडे तो एकदम से मुझे तो खाना बनाने का ज़्यादा टेंशन रहता है कि टाइमली बन जाए बस, तो वही थोड़ा सा जो है कुकिंग में लेट हो ही गया, मतलब उत्तपम ऐसी चीज़ें ना लो मीडियम फ्लेम पे बनाओ, थोड़ा सा ये टाइम टेकन है और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लेट हो ही गया है। और इधर जो है बेडशीट भी फटाफट से मैंने लगा लिए, देख सकते हो। तो सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो सोयाबीन को अभी मैंने भीगने के लिए रख दिया है। और बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आपको आ रही होगी ना, अभी बारिश हो रही है, बीच बीच में बारिश होती रहती है, और ये सारे तकियों को ना इस तरह से पटक पटक के झाड़ के मैं इधर रखती जा रही हूँ, क्योंकि आँखों से तो दिखाई नहीं देते धूल, लेकिन फिर भी तो पड़ी जाती है। और फ्रेंड्स, कुछ भी अगर अच्छा लगे ना मेरे इस कंटेंट में, मेरे इस व्लॉग में, तो ज़रूर से कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने लाइक किया उनके लिए थैंक यू सो मच, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए भी वेरी वेरी थैंक यू, और जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया व्लॉग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो अभी देखिए दांत दिखा रहा है, अपनी जीभ भी दिखाएगा, और पूरा फेस देखिए इसका पानी पानी है, पोछेगा भी नहीं जल्दी तुरंत से, और ऐसे ही घूमते रहेगा पूरे घर में, जीभ भी दिखा रहा है। देखिए मम्मा, देखो मेरा जीभ साफ़ हुआ कि नहीं, मेरे दांत साफ़ हुए कि नहीं। और ये देखिए सब्ज़ी भी मेरी हो चुकी है, और इस बीच मैंने जो है घर की वो बेडशीट वगैरह झाड़ना ये सब भी कर लिया है, तो ऐसे ही करती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि खाना बना दिया या चढ़ा दिया तो जाके लेट गई या सो गई या फिर बैठ गई, ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि साइड बाय साइड और भी काम रहते हैं घर के, तो मल्टीपल काम रहते हैं, तो शाम के टाइम में ही थोड़ा सा हम लोग फ्री होते हैं, नहीं तो सारा दिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बच्चे, मेरा बच्चा अभी तो घर पर ही रहता है, तो मुझे तो ज़्यादा ही अभी जो है पीछे भागम भाग रहती है, उसको भी देखना पड़ता है, उसकी पढ़ाई भी देखनी होती है, बहुत सारे काम रहते हैं सारा दिन में। तो ये देखिए अभी सोयाबीन को तेल में अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा बस हल्दी पाउडर डाल दिया था मैंने, और अभी थोड़ा सा और तेल डाल दिया है कढ़ाई में, पेस्ट बना के तैयार कर लिया मैंने इस बीच। और आलू जो है ये कच्चे आलू ही हैं, तो नमक और हल्दी के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, लो मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाऊँगी तो जल्दी से हो जाएगा। प्याज लहसुन हरी मिर्च जीरा और सूखी लाल मिर्च एक ही डाली है मैंने पेस्ट में, और एक बड़ा साइज़ का टमाटर दिया है। तो आज भी दाल मैं स्किप कर रही, क्योंकि बनाओ ना तो कोई खाएगा नहीं, बच जाता है हर रोज़, तो मैंने आज स्किप ही कर दिया है। और सब्ज़ी में और कुछ और नहीं बनाऊंगी, रात को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल के लिए तो इसी से हमारा हो जाएगा। तो इधर मैंने मसाले को भी डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है मसाले को भूनने में, 10-15 मिनट लग जाते हैं। और धनिया जो है उसका मैंने पाउडर बना के रखा है, तो उसको मैंने डाला था लास्ट में जब मसाला अच्छे से भुन गया था ना, तो उससे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था। तो अभी मैंने आलू और सोयाबीन को भी मसालों के साथ भून रही हूँ अच्छे से, 10 मिनट मसालों के साथ भूनने के बाद, उसके बाद फिर मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें, और अभी तो पकनी बाकी है, आलू तो कच्ची है, तो इसको ढक के पकाऊँगी, नमक और थोड़ा सा
गरम मसाला मैंने डाल दिया है, घी भी थोड़ा सा ऐड किया था, स्किप हो गई मतलब वीडियो में आई नहीं, कैमरा बंद था उस टाइम में। और राइस वगैरह मेरा हो चुका है कंप्लीट, तो फटाफट से मेरा लंच भी हो गया है आज। तो मैं ज़्यादा तामझाम नहीं रखती हूँ, मंडे टू फ्राइडे एकदम सिंपल वाली जो है, जो जल्दी जल्दी से बन जाए बस वही चीज़ें बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को निकलना भी होता है एकदम 10:45 बजे के करीब। तो बस जल्दी जल्दी से अभी मैं किचन जो है साफ़ ही है, बस हल्का सा कपड़ा देकर इसको ओवन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सारा खाना वगैरह हो गया, बन गया है मेरा, नहाना भी हो गया है। और आज का व्लॉग छोटा सा ही था, और ज़्यादा लंबा व्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ। और इधर बस पोच के अच्छे से थोड़ा सा मैं अभी ना फ्रूट काट के बेटे को दे दूँगी, और थोड़ा सा मैं ना 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। हाथों की हालत हो जाती है ख़राब, पैरों की भी, और सुबह से लगी रहती हूँ ना इसी वजह से, तो थोड़ा सा अभी रेस्ट कर लूँगी, और फिर एडिटिंग का काम भी रहता है मेरा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग छोटा सा ही है, और मिलती हूँ आपसे जल्दी न्यू ब्लॉग को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।